अच्छा अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि आपने का एथिक बताना है कांट्स एथिक ठीक है एथिक्स के मॉरल ड्यूटी क्या है जिसको हम मॉरल एब्सोल्यूटिज्म भी बोलते हैं ठीक है इसमें आपने ये बताना है कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ़ ड्यूटी इज़ इट जस्टिफाइड गिव यू ओन सटमा अच्छा अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी थोड़ा थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बिकॉज इसमें आपने अपना ओपिनियन देना है आपको तो पहले पता होना चाहिए कि कांट का एथिकल या मॉरल जो एब्सलूटिज़म है ये है क्या ठीक है मॉरल अप्सलुटिज़म में वो बात करते हैं कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी के एक चीज़ आप पे फ़र्ज़ है और आपको उसको फॉलो करना है क्यों क्योंकि वहाँ आप फर्ज है तो ये चीज क्या जस्टिफाइड है क्या अगर मतलब वो चीज आप पे फर्ज है तो आप कर रहे हैं अगर वो फर्ज ना होती तो क्या आप नहीं करते ठीक है तो इसमें आप अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं इसको आप मॉरल एप्सलूटिज्म भी कहते हैं एंड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव भी कहते हैं ठीक है सो इनका ये नोशन है कैटेगोरिकल एम्पेरेटिव में जिसमें वो कहते हैं कि इट्स अ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी इन अदर्स एंड दैट वन शुड ओनली एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स दैट कोड होल्ड फॉर एवरी वन अगर आप अपने लिए कुछ कोई चीज़ करें फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टीलिंग सम मनी तो दैट मीन्स के इट शुड बी अलाउड फॉर एवरी वन तो आपने उस चीज़ को माइंड में रखते हुए करना है कि इफ़ यू आर डूइंग ऑफ लाइंग टू समन या इफ़ यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ मींस ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये हर एक के लिए इस्तेमाल होती हैं अब इसमें आपको पहले कैटेगोरिकल uh, इम्पेरेटिव को या कांट के एफेक्ट्स को समझने की ज़रूरत है कि कांट ने एक रूल बुक दी है विच यू हैव टू फॉलो इन एनी वे इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं है ठीक है इफ़ यूर अ गुड पर्सन यू हैव टू फॉलो दोज गुड डीड्स नो मैर वट सिचुएशन इज एंड नो मैर वट यू हैव टू डू और नॉट डू ठीक है आपने वो काम करना है बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन यू हैव टू शो दैट यू आर अ गुड पर्सन सो ये मोटिवेशन आपकी सेल्फ ड्रिवन होनी चाहिए एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपने नहीं देखने ठीक है कि मतलब आपकी किसी किसी भी अच, अच्छाई का बदला आपको हमेशा अच्छे ही में मिलेगा बेशक वो सुना ना मिले वो लेटर जाके मिले बट उसका मिलेगा सही अच्छाई में बदला सो द होल पॉइंट इज़ दिस के कान कहते हैं आप इफ़ यू आर अ गुड पर्सन तो आपको अपनी ड्यूटी करनी बिकॉज इट इज़ योर ड्यूटी टू डू गुड डीड्स टू स्पीक द ट्रूथ टू हेल्प द ह्यूमैनिटी एंड इट इज़ फाइन इफ यू एंजॉय डूइंग इट बट it must be the case that if you do not enjoy it even then you have to do your thing your duty because एक अच्छा बंदा जो है उसको अच्छा ही करना है ठीक है for goodness sake आपको you must be good तो इसलिए ये तो लाइक फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी तो आपको करना ही करना है ना इफ यू हैव टू इंजॉय इट वट एवर यू आर डूइंग इफ यू आर हेल्पिंग अदर्स यू हैव टू इन्जॉय इट बट इवन इफ यू आर नॉट इन्जॉइंग इट दैट डज इट मीन की यू हैव टू स्टॉप डूइंग इट नो यू डोंट नीड टू स्टॉप डूइंग इट यू हैव टू डू इट एंड यू यू हैव टू इंजॉय इट वो कहते हैं ना कि लाइबिलिटी है आप पे ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही करना है तो इट्स इट्स बेटर इफ़ यू स्टार्ट इन जोइंग वट एवर यू आर डूइंग ठीक है ये कान का एफेक्ट uh, है ये मॉरल एब्सोलूटिज़म में इसकी भी वीडियो प्रॉपर बनी हुई है तो मैं जितने भी टॉपिक्स बता रही हूँ मैं उनके जो वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं इफ़ यू हैव फाउंड एनी डिफ़िकल्टी फाइंडिंग इन दोज़ वीडियोज़ तो मैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इब्ने सीना की थ्योरी ऑफ नॉलेज अब ये थ्योरी ऑफ नॉलेज पे भी लेक्चर बना हुआ है आई डेफिनेटली शेयर दैट लिंक मैं रीडिंग मटेरियल भी डाल दूंगी इब्ने सीना का ये एव सीना का जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है बिकॉज इसमें उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है इट इज़ लाइक टेबल रासा जो जॉन लॉक ने कहा था सो इट हैज़ अ प्योर पोटेंशियलिटी दैट इज़ एक्चुलाइज थ्रू एजुकेशन एंड कम्स टू नो नॉलेज इज़ अटेन थ्रू एम्पेरिकल फिमिलियरिटी विद ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको एम्पेरिकल फिमिलियारिटी होनी चाहिए इससे हम नॉलेज गेन करते हैं विच वन एबस्ट्र यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स इट इज डिवेलप थ्रूज सिलिजिस्टिक मैथड ऑफ रीजनिंग ऑब्जर्वेशन लीड टू प्रपोजिशन स्टेटमेंट ठीक है इस तरह आपने अच्छा वन यू आर गिवन टॉपिक या क्वेश्चन के यू हैव टू राइट एन एस ए ठीक है यहाँ पर अब क्वेश्चन दिया गया है राइट एन एस् ऑन इब्न सीनाज थीरी ऑफ नॉलेज सो हाउ टू अटैम्प दैट ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन ना जैसे हम इंग्लिश के बेबी में क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऐसे का तो वट यू नीट टू डू इज यू हैव टू मेक एन आउटलाइन बिफोर हैंड ठीक है आप इसको एक आउटलाइन बनाएंगे उसी में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप इंट्रो देंगे इब्न सीना थे कन एवेसिना इनको कहा जाता है इनका किस में आ, इस्लामिक फ़िलासफी में मुस्लिम फ़िलासफी में क्या रोल है यूरोपियन फलोसफी में क्या रोल है ये बातें आपने बतानी है इसमें ठीक है इपने सीने को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे और इस तरह मतलब कुछ पॉइंट्स बना के ना एक आउटलाइन से बना के आपने देना है फिर आप इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज बताएंगे तो मेन जो पॉइंट्स होंगे ना आपको पता है कि थ्योरी ऑफ नॉलेज में आप क्या क्या चीज़ें टच करेंगे तो वो आपने इस तरह सब हेडिंग्स या सब पॉइंट्स बना के बता देना है एंड देन फाइनली यू यू कंक्लूड दिस तो इस तरह मतलब एग्ज़ामिनर को भी पता लग जाएगा कि ये एस का क्वेश्चन अगर कहा गया कि राइट एन एस तो उससे पहले आपने एक आउटलाइन दे दी अब उसके बाद जब आपने एस स्टार्ट करना है तो आपने कैसे स्टार्ट करना है आप देंगे इंट्रोडक्शन जो आपने ऊपर दिया हुआ है ठीक है इंट्रोडक्शन लिखेंगे ये एक पैराग्राफ जितना भी बन रहा है वो आप एक पैराग्राफ लिखेंगे एंड देन इसमें आपको फर्दर हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है जो कोटेशंस हैं जो भी थोड़ी बहुत सेइंगस हैं वो आप इनको इसको ब्लैक में या जिस तरह भी बोल्ड में लिखना चाहते हैं वो कर लें बट इसमें आपको अगेन जो हम पिछले क्वेश्चन में हेडिंग्स दे रहे हैं इसमें आपको हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं बिकॉज नाव यू हैव टू राइट इन जस्ट फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स इसमें और कोई चीज़ नहीं है ठीक है अच्छा लास्ट क्वेश्चन इसमें एक नोट्स का आ जाता है छोटे छोटे नोट्स वो दे देता है दस दस नंबर के तो इसमें उसने बताया हुआ साइकोलॉजिकल एंड एथिकल ईगोइम ये भी हम पढ़ चुके हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म ठीक है ये कांट के बारे में उसने बात की अब देखें इस पर भी मैं कांड के दो सवाल आ गए एक एथिक्स का क्वेश्चन आ गया और एक ट्रांसेंडेंटलिज्म जो उसकी थेरी है और डेरेडा इसकी जो है इसका भी क्वेश्चन उसने दे दिया ठीक है तो आप इसमें से कोई से दो आपने अटेम्प्ट करने हैं साइकोलॉजिकल एथिकल ईगोजम बता सकते हैं कि जिस जिसमें आप बताएंगे कि ईगोइज़म क्या है ठीक है साइकोलॉजिकल क्या है एथिकल क्या है कि आपको हर हाल में अच्छी चीज़ करनी है बट आप कुछ ईगोइज़म ऐसी होती है कि आप ख़ुद को प्रेफर कर रहे हैं कि आपके लिए जो सेल्फ़ इंटरेस्ट में जो चीज़ होगी आप उसको प्रेफर करेंगे साइकोलॉजिकली ठीक है कि ये चीज़ आपके आपके माइंड को चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप दूसरों का फ़ायदा करें और ख़ुद का नुकसान करें लेकिन एथिकलीगुज्म क्या है कि आपको कोई भी आपको वो हर वो चीज़ करनी है जो भले वो आपके नुकसान में हो बट एथिकली विच इज़ राइट यू हैव टू डू दैट थिंग ठीक है देन ट्रांसेंडेंटलिज्म में हमने पढ़ा हुआ है कि जी फिनना है न्यूमिना है ये बात पता नहीं कांड को थोड़ा सा इंट्रो देंगे उसके बाद बताएंगे दस नंबर का है तो दो से तीन पेजेस वुड बी मोर देन इनफ ठीक है इस तरह आपने हेडिंग्स में और सब हेडिंग्स देखे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है अच्छा इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है बर्गसन के बारे में भी विच रिजेक्ट्स एनी काइंड ऑफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोल्यूशन गिव यूर ओन ओपिनियन इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल शेयर कर दूंगी आप उसको रीड कीजिएगा ठीक है और फिर बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू बिल्ड अप योर ओन ओपिनियन क्योंकि इसमें आपने बर्गसन का नहीं बताना बर्गसन का आप कॉन्सेप्ट तो डिस्क्राइब करेंगे इसमें आप डावन के बारे में बता सकते बिकॉज इट्स इट इट डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन तो जैसा डावन ने कहा कि जी मंकी से ह्यूमन uh, में एवोल्यूशन हुई है तो बर्गसिन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू एंड ही एक्चुअली रिजेक्ट दॉजिकल एक्सप्लेन ऑफ एवोल्यूशन तो आपने उन दोनों का मिक्स इन मैच या कंपैरिजन बताना एंड देन यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन बेस्ड ऑन द डेटा आई एम गोना प्रोवाइड यू तो सो uh, फार so ये था सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी का ओवरऑल पेपर पैटर्न ठीक है इनफैक्ट uh, पेपर था जिसको मैंने आपको um, कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट uh, कैसे करना है ठीक है एक क्वेश्चन है तो आपने उसकी हर डायमेंशन को आपने उसके वर्ड की वर्ड्स देखने क्वेश्चन में की वर्ड्स क्या हैं यू हैव टू अटैम्प्ट ईच एंड एवरी की वर्ड आपको जो कुछ भी समझ में आ रही है वो आपने कोशिश करनी है कि आप उस क्वेश्चन को उस अकॉर्डिंगली अटैम्प्ट करें ठीक है कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी मुश्किल हो तो डू आस्क मी एनी टाइम आई वुड लाइक टू हेल्प यू ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आस्क मी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़